हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरे चैनल लर्न विद सिमरन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि शांति निर्माण का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या होंगी और उसका महत्व क्या है। और आज की वीडियो उसका पार्ट टू है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे विभिन्न कारक हैं जो शांति निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो शांति निर्माण का एक थोड़ा सा कैचअप कर लेते हैं। देखो, शांति निर्माण क्या होता है? शांति निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी एक तकनीक है जिससे हमारे समाज के अंदर शांति की स्थापना की जाती है, जिससे हमारे समाज के अंदर जो संघर्ष हो रहे होते हैं, वाद विवाद हो रहे होते हैं, जो समस्याएँ होती हैं उनको सुलझाया जाता है, उनका समाधान निकाला जाता है और एक समृद्ध समाज बनाने की कोशिश की जाती है। ये है शांति निर्माण। अब शांति निर्माण को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ है संविधान और कानूनों का पालन। ठीक है, हमारा संविधान कैसा है ये निर्भर करता है इस चीज़ पर कि हमारा समाज के अंदर कितनी शांति रहेगी। अगर संविधान में ही ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि समाज के अंदर शांति ना बनी रहे तो क्या फ़ायदा है ऐसे संविधान का। या फिर ऐसे कानून हमारे पास होने चाहिए जो सबको समान अधिकार दे, जो एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करे जो समाज समान हो और जो जस्ट हो। ठीक है, जो न्याय आधारभूत पर बेस्ड हो, है ना। तो ऐसा संविधान और ऐसे कानून होने चाहिए और उन कानूनों का पालन भी होना चाहिए। ये भी निर्भर इस चीज़ पर करता है कि हमारा समाज कैसा होगा। तो देखो, शांति निर्माण के लिए संविधान और कानून का पालन अत्यंत आवश्यक है। यह संविधान और कानूनों की रक्षा करता है और न्यायाधीशों द्वारा न्याय का प्रवर्तन होता है। यानी कि अगर कोई समस्या हो भी जाती है तो जो हमारे न्यायाधीश होते हैं वो न्याय को प्रदान करते हैं लोगों तक, ताकि समाज के अंदर शांति निर्माण होता रहे। ठीक है, नेक्स्ट कारक आता है सामाजिक संगठनों का उद्देश्य। हमारे बीच में से बहुत सारे संगठन है, जैसे हिंदू युवा संगठन हो गया, युवा एकता संगठन हो गया, ऐसे अलग अलग हमें संगठन देखने को मिलते हैं। तो ये जो सामाजिक संगठन है इनका उद्देश्य क्या है? क्या ये लोगों को भड़काते हैं? क्या ये लोगों के बीच दंगे कराते हैं? या क्या ये लोग मिलकर के शांति निर्माण का कार्य करते हैं? क्या ये लोग जो समाज के लोग हैं उनकी समस्याओं का सुलझा करते हैं? तो ये निर्भर इस चीज़ पर निर्भर करता है कि शांति निर्माण कितना होगा अच्छे से। ठीक है, कि सामाजिक संगठनों का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये कारक है कि सामाजिक संगठनों का उद्देश्य एक समरस्त समाज के निर्माण का कारण होता है, इसलिए संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान शांति निर्माण में होता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर जो शांति निर्माण को अफेक्ट करता है वो है सम्मेलन और समन्वय। ठीक है, सम्मेलन और समन्वय में क्या आएगा कि जो हमारे समाज के अंदर अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग संगठन और अलग अलग व्यक्ति हैं अलग अलग वर्गों के, उनके बीच में कितना समन्वय है, उनके बीच में कितना सम्मेलन है। ठीक है, जिसके कारण शांति निर्माण होती है। यह उन्हें अपने विचारों को एक साथ लाने, समन्वय यानी कि बैलेंस होना एक तरीके से, है ना, कि लोगों के विचारों के अंदर कितना बैलेंस है, कितना समन्वय है, वो कितने एक दूसरे के साथ सम्मिलित होते हैं। तो ये चीज़ पर डिपेंड होता है कि हमारे समाज की शांति कितनी निर्मित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कारक आता है वो है शिक्षा एवं विद्या, कि हमारा समाज कितना शिक्षित है, कितना जागरूक है। शिक्षा एवं विद्या के विस्तार से लोगों को शांति के महत्व के बारे में जागरूकता मिलती है। ठीक है, शिक्षा हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा, शांति नाम की भी ये चीज़ होती है, है ना। हालांकि शांति मतलब एक बहुत बेसिक तत्व है हमारे समाज के अंदर, लेकिन शिक्षा और विद्या उसके निर्माण में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। शिक्षा एवं विद्या लोगों के अंदर समझ और जागरूकता भरती है जो शांति निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कारक जो होता है वो आता है संवेदनशील लीडरशिप। ठीक है, एक ऐसी लीडरशिप जो संवेदनशील हो, जो लोगों की भावनाओं को समझे। ठीक है, ऐसे हमारे पास लीडर्स होने चाहिए, ऐसे हमारे पास अपने नेता होने चाहिए, ऐसे हमारे पास अलग अलग लेवल पर जो लोग होते हैं, बड़े बड़े स्तर पर जो अधिकारी होते हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि वो समाज की समस्याओं को समझे, वो संवेदनशील हो, ताकि वो समस्याओं को समझे और उनका समाधान हो और हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर शांति बनी रहे। तो संवेदनशील लीडरशिप भी शांति निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण एक कारक है। एक संवेदनशील नेता दूसरों को भाईचारे का संदेश देता है और एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित सब लोगों को करता है। ठीक है,
नेक्स्ट कारक जो आता है जो शांति निर्माण में भूमिका निभाता है वो है समरसता और संयुक्तता। ठीक है, समरसता और संयुक्तता कैसे, कि शांति निर्माण के लिए ये दोनों बहुत आवश्यक हैं। एक समरसता और संयुक्त समाज जब होगा तो वो एकजुट होगा, यानी समरसता यानी कि जो मिल करके रहता है ना, तो समरसता और संयुक्त समाज एकजुट रहेगा, उनके अंदर एकता होगी और वो मिल करके अपनी समस्याओं का इजीली समाधान कर सकते हैं, ये करने की बजाय कि वो आपस में लड़े। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो शांति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंने हर पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आप इन पॉइंट्स में चाहे तो एग्जांपल भी दे के आ सकते हैं। जैसे अगर नेता की बात आए तो मोदी जी या जो भी आपको लगता है ऐसे नेता हैं जो संवेदनशील है उनका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, या फिर शिक्षा एवं विद्या का दे सकते हैं कि अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो किस प्रकार वो समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।